देखिए इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दिया क्या है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपका दिया हुआ है कि एक कार्नोट चक्र है, दिख रहा होगा, एक कार्नोट चक्र है, एक चार कार्नोट चक्र मशीन 30 डिग्री सेल्सियस वह -15 डिग्री की डिग्री सेल्सियस की तापमान सीमाओं में कार्य करती है। ठीक है, मतलब एक कार्नोट चक्र है मशीन जो 30 डिग्री सेल्सियस और -15 डिग्री सेल्सियस, ये जो ताप सीमाएं हैं, इनके बीच में काम करता है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जो उच्च तापमान है वो कितना है, उच्च तापमान जो है वो आपका जो है क्या कहते हैं 30 डिग्री सेल्सियस है, और जो निम्न तापमान है, लो टेम्परेचर है, वो क्या है -15 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब कह रहा है निम्नलिखित के लिए COP ज्ञात करो। अब COP किसके किसके लिए ज्ञात करना है, देखो 1, 2, 3 मैंने पॉइंट लिखा है। पहला आपका है, देखो पहला आपका क्या है, पहला है आपका जब यह प्रशीतन मशीन के रूप में काम करे, मतलब जब यह कार्नोट चक्र, अभी यह कार्नोट साइकिल है जो 30 डिग्री सेल्सियस और -15 डिग्री सेल्सियस पे तापमान पे काम कर रहा है, जहाँ हाई टेम्परेचर क्या है 30 डिग्री हो गया और लो टेम्परेचर क्या हो गया -15 डिग्री। अब कह रहा है निम्नलिखित के लिए COP मतलब निष्पादन गुणांक निकालिए। पहला किसके लिए निकालना है, पहला निकालना है जब यह प्रशीतन मशीन के रूप में कार्य कर रहा हो, मतलब ये जो कार्नोट चक्र है, जब यह प्रशीतन मशीन का मतलब रेफ्रिजरेटर के रूप में कार्य कर रहा हो, तब के लिए COP निकालना है। दूसरा किसके लिए निकालना है, ऊष्मा पंप के रूप में जब कार्य कर रहा हो, ऊष्मा पंप के रूप में जब कार्य कर रहा हो उसके लिए COP निकालना है। और तीसरा जो है ऊष्मा इंजन के रूप में जब कार्य कर रहा हो तब के लिए COP निकालना है। तो ये तीन चीज़ आपको निकालना है। तो इस तरह का जब भी सवाल होगा तो अब हम क्या करेंगे, हमको केवल और केवल तापमान पता है, टेम्परेचर। ठीक है, तो तापमान जब हमको पता है तो मान लीजिए हमने ले लिया T1 तापमान, तो T1 तापमान क्या है, T1 तापमान जो है मैंने मान लीजिए ये लो टेम्परेचर मैंने ले लिया है। देखो यहाँ पे T1 तापमान मैंने क्या लिया -15 डिग्री सेल्सियस, तो मैंने पहले ही बता दिया -15 क्या है, लो टेम्परेचर है ना, निगेटिव में, और 30 उससे हाई है तो वो हाई टेम्परेचर हो जाएगा। तो T1 मैंने ले लिया लो टेम्परेचर जिसका मान है -15 डिग्री सेल्सियस। अब डिग्री सेल्सियस को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 273 से 273 से -15 डिग्री सेल्सियस में क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 258 केल्विन। इसी तरीके से सिमिलरली अब हमने जो लो टेम्परेचर तो हो गया हमारा T1 258 केल्विन, अब जो हाई टेम्परेचर है उसको हमने ले लिया T2। अब यहाँ पे क्या हो गया, हाई टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको केल्विन में बदलेंगे तो यहाँ पे भी 273 से जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा जोड़ने पे 303 केल्विन। तो अब हमारा जो है हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर का मान केल्विन में निकल गया। ठीक, अब हमको COP निकालना, बहुत आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे है। तो देखो COP के लिए पहला प्रशीतन के रूप में, भाई प्रशीतन के रूप में जब काम करेगा तब COP क्या होगा, तो यहाँ पे हमने COP और देखो नीचे R लिख दिया, R का मतलब क्या है रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर का जो COP हमने निकाला था रिवर्स कार्नोट साइकिल से, आपको याद होगा भाई क्या होता है COP का पहले फार्मूला क्या होता है, COP का फार्मूला यही ना होता है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मतलब प्रशीतन प्रभाव बटा किया गया कार्य। तो प्रशीतन प्रभाव कैसे होता है, जो लो टेम्परेचर से जो ऊष्मा ली जाती है उसी के कारण होता है। तो यहाँ पे जो है लो टेम्परेचर T1 बटे जो किया गया कार्य होता है वो क्या होता है, दी गई ऊष्मा माइनस ली गई ऊष्मा, मैंने बताया था हीट पंप वाले फिगर में, याद कीजिए। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा T1 बटे T2 माइनस T1, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं लो टेम्परेचर बटे हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर। अब हमको पता है T1 का मान क्या है, T2 का मान क्या है, वैल्यू पुट कर दो तो आपका वैल्यू आ जाएगा
इसका रेफ्रिजरेशन का सी ओ पी आ जाएगा 5.73। ये आंसर हो गया इसका। अब दूसरा जब पॉइंट है तो दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा उष्मा पंप के रूप में। अब उष्मा पंप के रूप में देखिए, उष्मा पंप के रूप में क्या करना है, तो उष्मा पंप के रूप में अभी मैंने कल का जो क्लास लिया था उसमें रेफ्रिजरेशन और हीट पंप के बारे में डिटेल से बताया था और उनके बीच में एक रिलेशन भी बताया था। तो इसको आप दो मेथड से कर सकते हैं। एक मेथड तो इस रिलेशन से, अब मैंने क्या किया, मैंने स्टार्टिंग में देखो यही लिखा, उष्मा पंप के रूप में मैंने लिखा हम जानते हैं सी ओ पी ऑफ एच पी, एच पी का मतलब हो जाएगा हीट पंप, ठीक है। यहाँ पे तो सी ओ पी ऑफ एच पी इक्वल टू 1 प्लस सी ओ पी ऑफ आर, है ना, यही ना कल अभी मैंने रिलेशन बताया है। तो हमको सी ओ पी ऑफ आर पता ही है, उसमें तब यहाँ वैल्यू पुट करो तो सी ओ पी ऑफ आर जो है आपका 5.73 आ रहा है प्लस 1। जब इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, सी ओ पी ऑफ एच पी की वैल्यू, हीट पंप की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6.73। ठीक, एक इस रिलेशन से तो तुरंत निकल गया। अगर आपको मान लीजिए एग्जाम में रिलेशन दिमाग में उतर, दिमाग से उतर गया, रिलेशन नहीं आ रहा है, भूल गए आप क्या रिलेशन है, तो आप एच पी का फॉर्मूला लगाएंगे, आप मतलब हीट पंप का सी ओ पी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हीट पंप का सी ओ पी का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे जो वातावरण, जैसे भाई जो हीट पंप होता है वो क्या था, निम्न ताप वाले वातावरण से उच्च ताप वाले स्रोत में उष्मा भेजता है। तो यहाँ पे जो डिजायर्ड इफेक्ट है, जो प्रभाव पड़ रहा है वो क्या पड़ रहा है, उसको उच्च ताप वाले स्रोत के तापमान को उच्च बनाए रखना है। तो अब यहाँ पे प्रसीतन प्रभाव न होकर के क्या हो जाएगा, अब अभी तक तो हमने जो रेफ्रिजरेटर था वहाँ पर रेफ्रिजरेटर का क्या वो था काम, कि जो निम्न ताप वाला जो हमारा निकाय उसको निम्न बनाए रखना। अभी हीट पंप का क्या काम है, जो उच्च ताप वाला निकाय है उसको उच्च बनाए रखना, यानी इसका जो प्रभाव होगा वो क्या होगा, अब जो उष्मा रिलीज की जा रही है, मतलब उष्मा दी जा रही है, क्या कहते हैं इसमें वो उच्च ताप वाले जो है स्रोत में, ठीक है, उच्च ताप वाले स्रोत में जो उष्मा दी जा रही है, रुके रहो ये क्या है भाई, अच्छा चलो, उच्च ताप वाले स्रोत में जो उष्मा दी जा रही है वो क्या है, ये दो मिनट कहाँ गया, हाँ, उच्च ताप वाले स्रोत में जो उष्मा दी जा रही है, यहाँ पे अब प्रभाव ये पड़ रहा है, क्योंकि हमको क्या करना, उच्च ताप वाला निकाय को उच्च ही बनाए रखना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, T2 क्यों होगा, क्योंकि उच्च ताप को जो उष्मा दी जा रही है वो Q2 था, मैंने कल बताया था Q2 अपॉन क्या कहते हैं Q2 माइनस Q1। तो Q को जब हम वो एंट्रोपी वाले फॉर्मूले से करेंगे, तापमान के टर्म में लाएंगे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, T2 अपॉन T2 माइनस T1, जहाँ T2 क्या है, उच्च तापमान है, और T1 क्या है, निम्न तापमान है। तो आप चाहे तो इस फॉर्मूले का यूज करके वैल्यू T1 T2 का पता ही है, सॉल्व करोगे तब पर भी आपका 6.73 ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब बचा क्या, तीसरा आपको उष्मा इंजन के रूप में, उष्मा इंजन। अब देखिए थर्मोडायनेमिक्स में आपने जो जितने भी इंजन पढ़ी हैं, तो अब यहाँ कन्फ्यूजन होगा, तब सर आप तो कह रहे थे कि जो जितने भी इंजन आपने पढ़े हैं, जैसे पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, ड्यूअल इंजन, ठीक है, कारनोट साइकिल पे जो कारनोट इंजन है, तो इन सब में तो इफिशियंसी निकाली जाती थी। तो उष्मा इंजन का सी ओ पी का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे उष्मा इंजन के सी ओ पी का मतलब यही है कि उसकी दक्षता, इफिशियंसी ही निकालना है, वो बस दे दिया है, मैंने यहाँ लिख भी दिया। देखो उष्मा इंजन का सी ओ पी का मतलब क्या है, दक्षता, इफिशियंसी। और दक्षता का सूत्र क्या होता है, हम जानते हैं दक्षता का सूत्र होता है किया गया कार्य बटा ली गई उष्मा, भाई वर्क डन बटे अपॉन जो हीट एडेड, ठीक है, ली गई उसमें। तो वर्क डन कितना, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, T2 माइनस T1 हो गया। और इसमें जो है हीट पंप में
हीट पंप सॉरी हीट इंजन जो है हमारा ऊष्मागतिकी के नियम को फॉलो करता है, यानी इसमें जो ऊष्मा ली जाती है वो उच्च तापमान वाले स्रोत से ऊष्मा ले करके निम्न तापमान वाले स्रोत पे भेजी जाती है। और ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यही ना कहता है कि जो ऊष्मा का प्रवाह होता है वो उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर होता है, ठीक है। तो हमारा ऊष्मा इंजन जो है ऊष्मागतिकी के नियम को फॉलो करता है, तो इसमें क्या हो गया, उच्च तापमान वाली वस्तु से ऊष्मा क्या की जा रही है, ली जा रही है, तो ली जा रही है उच्च तापमान वाले से, तो यहाँ पे ली गई ऊष्मा की जगह T2 हो जाएगा, क्योंकि उसको वो ऊष्मा कहाँ से ली जा रही है, उच्च तापमान से ली जा रही है। तो इसका फॉर्मूला हो गया T2 - T1 / T2। अब T1 T2 की वैल्यू पता है, सॉल्व कर लो, तो इसकी अब वैल्यू आ रही है 0.149। क्या आ रही है, 0.149। क्लियर है। अब यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हो गया, देखिए मैंने स्टार्टिंग में जब रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग पढ़ा रहा था तो आपको मैंने बताया था कि जो COP होता है वो निष्पादन गुणांक जो होता है वो दक्षता का व्युत्क्रमानुपाती होता है। COP जो निष्पादन गुणांक होता है वो हमेशा एक से बड़ा होता है, जबकि जो दक्षता हमारी होती थी वो क्या होता था, हमेशा एक से छोटा होता था। तो यहाँ देखो दक्षता जो आ रही है हमारी वैल्यू वो कितने आ रही है, वो आ रहा है 0.149 आ रहा है ना, जो कि एक से छोटा है, जबकि हीट पंप का जो हमने COP निकाला है वो आपका 6.73 आ रहा है और रेफ्रिजरेटर का जो COP निकाला है वो 5.73 आ रहा है। ये दोनों ही COP क्या है, एक से बड़े हैं। तो इससे भी ये क्लियर हो गया आपको कि जो हीट इंजन है इसके COP का मतलब क्या है, इसके दक्षता से है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत लोग तो इसी में कंफ्यूज जाएंगे, हमने हीट इंजन में इफिशियंसी निकाला था, ये COP कहाँ से आ गया। तो COP का यहाँ मतलब बस वैसे उलझाने के लिए दिया हुआ है, बेसिकली इसका मतलब यही है कि क्या कहते हैं, इसकी दक्षता आपको निकालनी है। देखिए वैल्यू आ रही है दक्षता 0.149, जो कि एक से कम है, तो इसका मतलब ही हो गया कि ये क्या है, हमने दक्षता निकालना है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये देखिए डायरेक्ट ये जो भी क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व कराया है ये क्या है, बिल्कुल डायरेक्ट जो है आपका जो है फॉर्मूले बेस है। इसमें थोड़ा बहुत आपको जो है ये ऊष्मा इंजन में कन्फ्यूजन हो सकता है, हाँ, लेकिन मैंने समझा तो दिया ये ऊष्मा इंजन के COP का मतलब क्या है, उसकी दक्षता ही निकाली जा रही है, बस इसमें दक्षता का फॉर्मूला लगा दो वही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन होगा ये तो काफ़ी आसान था, पहला क्वेश्चन है तो इस वजह से मैंने आसान ही बताया, ठीक है। तो ये आप क्लियर हो गया होगा इसका, अगर जिसको अभी नहीं समझ में आया है, कुछ फंसा है, तो ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो इसका स्क्रीनशॉट लेके फिर से घर पे बैठ के फिर समझो, जो नहीं आएगा वो मुझसे पूछ लेना, ठीक है ना। अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूँ, हालांकि ये क्वेश्चन, अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसका मैंने वीडियो ऑलरेडी, मैंने जैसे न्यूमेरिकल का दो वीडियो मैंने बनाया है, ठीक है, तो आप चाहें तो न्यूमेरिकल वो वीडियो भी देख सकते हैं, इसका एक वीडियो कल बनाया था, लेकिन बहुत सारे लोग, अब मैं कह तो रहा हूँ कि वीडियो देख लेना, लेकिन कोई देखता उखता है नहीं, ठीक है। तो चूँकि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो उसके बाद का भी क्वेश्चन है उसी पे सिमिलरली बेस है, तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ पहले उस क्वेश्चन को रिपीट कर दूँ, उसके बाद आगे का क्वेश्चन बताऊँ। अभी रुकिए, दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, देखिए ये बुक का मैंने ले लिया था स्क्रीनशॉट, ठीक है। पहले क्वेश्चन इसमें पढ़ लीजिए, इसके अलावा मैंने अपना भी नोट्स बनाया है, अभी उसको भी लेते आऊँगा, समझा दूँगा उसमें क्या है, मेनली तो वही समझाना है। इस क्वेश्चन में दिया क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है या उस टाइप का है, लेकिन इसमें जो कन्वर्जन होता है ना, जैसे आप 6, 7, 8 से कन्वर्जन पढ़े हैं ना कि किलोग्राम को ग्राम में बदलिए, मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए, यहाँ कन्वर्जन है और यही कन्वर्जन समझेंगे तभी, और इस तरह का जो कन्वर्जन है मैं देख रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक प्रशीतन प्रणाली रुक जाओ
एक प्रतीतन प्रणाली परिवर्तीय कार्नोट चक्र मतलब रिवर्स कार्नोट साइकिल पर कार्य करता है, ठीक है यहाँ तक। निकाय में तापमान सीमा है, अब तापमान आपको दिया हुआ है, तापमान की जो सीमा है वो 30 डिग्री सेल्सियस वह -10 डिग्री सेल्सियस है, यानी उच्च ताप आपका 30 डिग्री सेल्सियस है और जो निम्न ताप है वो -10 डिग्री सेल्सियस है। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ से है, इस प्रतीतन प्रणाली की जो क्षमता है वो कितनी है, 10 टन की है। तो आपको निम्नलिखित ज्ञात करना है, क्या क्या ज्ञात करना है, इसमें तीन चीज़ ज्ञात करना है इसमें भी। पहला है कार्य का निष्पादन गुणांक, आपको COP निकालना है, चलिए ठीक है निकल जाएगा। दूसरा है आपका निकाय से निष्कासित, मतलब निकाय से निष्कासित की गई ऊष्मा की मात्रा प्रति मिनट, प्रति मिनट में कितनी ऊष्मा उस निकाय से निकाली जा रही है, निष्कासित की जा रही है, निकाली नहीं जा रही है, निष्कासित की जा रही है, ठीक है, बाहर भेजी जा रही है, ये निकालना है। और तीसरा आपको निकालना है मशीन को चलाने के लिए कितने अश्वशक्ति, अश्वशक्ति जानना है ना, हॉर्स पावर, ये किसका यूनिट होता है, ये सामर्थ्य का यूनिट होता है, ठीक है, किसका यूनिट होता है, सामर्थ्य या शक्ति का यूनिट होता है, हॉर्स पावर, ठीक है। तो मशीन को चलाने के लिए अश्वशक्ति हॉर्स पावर कितना, मतलब कितने हॉर्स पावर चाहिए चलाने के लिए। और लास्ट में दिया हुआ है सभी हानियाँ लॉसेस को नगण्य मान लीजिए, जो भी हानियाँ हो रही हैं थोड़ी बहुत उसमें का आदान प्रदान में हानियाँ तो होती ही हैं, लॉसेस तो होते हैं, ठीक है, तो उसको आप नगण्य मान लीजिए। चलिए फिर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि एक रिवर्स कार्नोट साइकिल है जो कि आपका जो है 30 डिग्री सेल्सियस तापमान से -10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वर्क कर रहा है, इसकी क्षमता जो है 10 टन है। तो आपको पहले निष्पादन गुणांक निकालना है, इसके द्वारा कितनी ऊष्मा वातावरण में रिलीज की जा रही है पर मिनट, ये निकालना है। और लास्ट में मशीन को चलाने के लिए कितनी अश्वशक्ति सामर्थ्य की या शक्ति की रिक्वायरमेंट होगी, ये निकालना है। तो अब इसमें देखो कैसे सॉल्व किया है, इसमें भी फिर वही लिया है, क्या नाम है, अच्छा यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया था, मैं अपना वाला दिखा रहा हूँ, ये नहीं है, अच्छा इसमें मैंने केवल कन्वर्जन समझाया है। चलिए तब इसी को देखिए, इसमें एक चीज़ देखना है। अब जैसे आपके बुक में जो है T1 जो है, मैंने अभी तक अभी जो मैंने क्वेश्चन बताया और जो मैंने रिवर्स कार्नोट साइकिल सॉल्व कराया था, मैंने हमेशा T1 को लो टेम्परेचर माना है और T2 को हाई टेम्परेचर माना है। बुक में T1 को हाई टेम्परेचर मान लिया और T2 को लो टेम्परेचर मान लिया, तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। देखो T1 को हाई टेम्परेचर माना है 30 है ना, 273+30, और T2 को लो टेम्परेचर माना है -10। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, अब जैसे बुक में दिया है T1 हाई टेम्परेचर है, T2 लो टेम्परेचर है, तो सबसे पहले आप चाहें तो मेरा ही वाला कर सकते हैं, T1 को लो टेम्परेचर कर लीजिए और T2 को हाई टेम्परेचर कर लीजिए, वो आपकी मर्ज़ी। तो T1 T2 को हमने केल्विन में बदला और फिर रेफ्रिजरेशन का जो फार्मूला होता है, अब यहाँ पे क्या है, चूँकि T2 लो टेम्परेचर है, मेरा T1 लो टेम्परेचर था, तो मेरा फार्मूला आता था T1 अपॉन T2 माइनस T1। अब यहाँ चूँकि T2 लो टेम्परेचर है तो T2 हो गया और T1 माइनस T2, तो ये कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है, वैल्यू वही आएगी, मेरे वाले फार्मूले से भी पुट करोगे तो यही वैल्यू आएगी। तो COP जो मैंने निकाला इसका, COP तो बताना नहीं है, डायरेक्ट हमने क्या किया, पहले तापमान है ही है, तापमान को केल्विन में बदला है डिग्री सेल्सियस को, उसके बाद रेफ्रिजरेशन का मैंने फार्मूला लगा दिया COP का, तो हमारा COP जो आ गया वो आ गया 6.575। यहाँ तक तो क्लियर है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं था। यहाँ से इम्पॉर्टेंट है आपका, अब देखिए क्षमता आपको दिया हुआ है कितना, 10 टन। अब मैंने जब स्टार्टिंग किया था रेफ्रिजरेशन ये चैप्टर, तो इसमें मैंने बताया था रेफ्रिजरेशन का यूनिट क्या होता है, टन होता है, और मैंने लिखवाया भी था कि जो एक टन होता है वो कितने के बराबर होता है,
मैंने बताया था एक टन जो होता है वो किसके बराबर होता है, नहीं याद है, चलिए दिखा दे रहे हैं। इधर देखिए, अब यहाँ से मैंने जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने लिखा। हम जानते हैं एक टन प्रशीतन जो होता है 3.5 किलो जूल पर सेकंड होता है। ये मैंने बताया था पर सेकंड के लिए, इसका मतलब ये हुआ कि एक सेकंड में 3.5 किलो जूल जो है ऊष्मा क्या की जा रही है, अवशोषित की जा रही है खाद्य पदार्थों से या निकाय से, ठीक। जबकि अच्छा रुक जाओ, ये तो इतना क्लियर हो गया, एक टन प्रशीतन जो है 3.5 किलो जूल पर सेकंड होता है। अच्छा अब इसको सेकंड को मिनट में बदलने के लिए, तो मैंने लिखा है मिनट में बदलने के लिए, तो मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, फिर वही हम जानते हैं कि 60 सेकंड जो होता है एक मिनट के बराबर होता है, तो एक सेकंड कितने मिनट के बराबर होगा, 1/60 मिनट के। तो यहाँ जो प्रति सेकंड है, जब सेकंड के जगह एक सेकंड के जगह हम जब मिनट लिखेंगे तो 1/60 लिखेंगे, तो 60 ऊपर चला जाएगा। तो इस प्रकार एक टन प्रशीतन में हम क्या कर रहे हैं, 3.5 को 60 से गुणा कर दे रहे हैं। तो जब 60 से गुणा करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, किलो जूल पर मिनट में, और तब इसकी जो वैल्यू आ रही है आपका आ रही है 210 किलो जूल पर मिनट। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कन्वर्जन, मैंने क्या किया है एक टन प्रतितन जो है 3.5 किलो जूल पर सेकंड है और मैंने इसको किलो जूल पर मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर दिया, तो आपका 210 किलो जूल पर मिनट आ गया। आप चाहें तो इसको याद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कन्वर्जन मैंने बता दिया। अच्छा अब यहाँ पर देखिए, चूँकि जो ये जो वो है क्षमता है रेफ्रिजरेटर का, जो इसकी यूनिट है 10 टन है, और इसका जब मैंने अभी समझाया एक टन जो है 3.5 किलो जूल पर सेकंड है, इसका मतलब ये हुआ, या 210 किलो जूल पर मिनट है, इसका मतलब ये हुआ एक मिनट में 210 किलो जूल ऊष्मा क्या किया जा रहा है, निकाय से अवशोषित किया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है किसको इंडिकेट कर रहा है, ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को इंडिकेट कर रहा है, प्रशीतन प्रभाव को भी इफेक्ट कर रहा है। दिमाग में रखिएगा, ये जो टन जो है, जो क्षमता है रेफ्रिजरेटर की, ये किसको डिनोट कर रहा है, किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रशीतन प्रभाव को डिनोट कर रहा है। तो इसलिए अब मैंने क्या लिखा, नेट प्रशीतन प्रभाव, नेट प्रशीतन प्रभाव, तो ये क्या हो गया बराबर, मैंने क्या लिखा है, प्रति मिनट अवशोषित ऊष्मा गुणे क्षमता। तो हमारा प्रति मिनट अवशोषित ऊष्मा अभी मैंने कितना लिखा, प्रति मिनट 210 किलो जूल जो है प्रति मिनट अवशोषित की जा रही है, तो 210 मैंने लिख दिया, प्रति मिनट कितना ऊष्मा अवशोषित की जा रही है 210 हो गया, और क्षमता कितनी है इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम की, 10 टन है, तो 210 गुणे 10 तो आपका आ गया 2100 किलो जूल प्रति मिनट। ये जो 2100 किलो जूल प्रति मिनट है, ये क्या है, ये आपका प्रशीतन प्रभाव है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है 10 टन रेफ्रिजरेटर का। ये जो रेफ्रिजरेटर है, जो क्वेश्चन में रेफ्रिजरेशन सिस्टम जिसकी क्षमता 10 टन है, इसके द्वारा प्रति मिनट 2100 किलो जूल ऊष्मा निकाय से क्या की जा रही है, अवशोषित की जा रही है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, फिर मैं वहां पे ले चलूं, देखिए यहां पे भी वही किया है, आपका नेट प्रशीतन प्रभाव निकाल लिया है 2100 किलो जूल पर मिनट, ठीक है। अब हम दोबारा सीओपी यूज करेंगे, सीओपी का जो मेन फॉर्मूला है, सीओपी का मेन फॉर्मूला क्या है, सीओपी निष्पादन गुणांक जो होता है वो होता है प्रशीतन प्रभाव बटे निकाय पे किया गया कार्य, यहाँ N अपॉन W लिखा है, आप N का मतलब यहाँ क्या है, प्रतितन प्रभाव से है, ठीक है, और W का मतलब कार्य से है। तो अभी हमने जो है रेफ्रिजरेशन का COP निकाला है 6.575, तो COP की जगह ये पुट कर देंगे, नेट
प्रतीतन प्रभाव कितना निकाला है, 2100 किलो जूल पर मिनट, इसके जगह ये पुट कर देंगे तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम कार्य निकाल रहे हैं। तो देखो कार्य सॉल्व करने पे आ रहा है 319.368 किलो जूल पर मिनट आ रहा है। अच्छा ये बताओ ये कार्य है किलो जूल पर मिनट या कार्य की दर है, क्योंकि यहाँ पर मिनट भी कह रहा है। देखिए कार का जो यूनिट होता है वो जूल होता है, कैलोरी होता है, यही होता है ना, उष्मा और कार का यूनिट जो है समान होता है। जबकि जो क्षमता होती सामर्थ्य होता है, शक्ति जो होता है उसका यूनिट क्या होता है, जूल प्रति सेकंड होता है। अगर हम डिफिनेशन की बात करें, जो शक्ति होती है पावर या सामर्थ्य, इसको हम कहते हैं कार्य करने के दर को, कार्य करने के दर को ही हम क्या कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं या शक्ति कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी नियत समय में जितनी कार्य की जा रही है, किसी नियत समय में जितनी कार्य की जा रही है वही उस मशीन का क्या होगा, शक्ति होगा, सामर्थ्य होगा। तो यहाँ जो W हमारा आ रहा है वो आपका आ रहा है भाई सीधे से बात 2100 किलो जूल पर मिनट, और COP का मान, COP तो आपका यूनिटलेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, जब इससे डिवाइड करोगे तो ये यूनिट वही रहेगा किलो जूल पर मिनट। तो ये एक्चुअल में कार्य न होकर के कार्य की दर बता रहा है, यानी शक्ति बता रहा है, सामर्थ्य बता रहा है। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है मशीन को चलाने के लिए अश्व शक्ति, कितने अश्व शक्ति की रिक्वायरमेंट होगी। तो मशीन को चलाने के लिए, अब मैं फिर अपने वाले नोट्स पे आऊँगा, देखो वो वहाँ से तो W निकल गया 319.368 किलो जूल पर मिनट। अब हम जानते हैं, ये आप क्लास 6-7 में ही पढ़े होंगे, एक अश्व शक्ति जो होता है 746 वाट के होता है। देखो वाट के जगह मैंने W लिखा है, शॉर्ट में लिख दिया है, WT होगा 746 वाट। और वाट को जब हम जूल किसमें कहें भाई, एक जूल प्रति सेकंड को ही एक वाट कहते हैं, तो हम 746 वाट को 746 जूल प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब अगर जूल को किलो जूल में बदला जाए और सेकंड को मिनट में बदला जाए, तो यार देखो मैंने लिखा है किलो जूल में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 746 को 1000 से भाग दे देंगे, तो वैल्यू आपकी आ गई 0.746 किलो जूल पर सेकंड। अब सेकंड को मिनट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से गुणा, अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया है कैसे होगा, 60 से इसको गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 44.76 किलो जूल पर मिनट आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, एक अश्व शक्ति जो है 44.76 किलो जूल पर मिनट के बराबर है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो बस अब हम जो मशीन है, प्रतीतन निकाय है, उसके द्वारा 319.368 किलो जूल पर मिनट कार्य किया जा रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 44.76 किलो जूल पर मिनट एक अश्व शक्ति के बराबर है, तो 319.368 किलो जूल पर मिनट कितने अश्व शक्ति के बराबर होगा, तो इसमें हम डिवाइड करेंगे तो ये जो आंसर आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 7.22 HP, HP का मतलब अश्व शक्ति। ठीक है, तो आपका जो तीसरा जो क्वेश्चन इसमें पूछा है कि मशीन को चलाने के लिए कितने अश्व शक्ति की रिक्वायरमेंट होगी, तो मशीन को चलाने के लिए 7.22 अश्व शक्ति की रिक्वायरमेंट होगी। अब लास्ट जो पूछा था कि निकाय से निष्कासित की गई उष्मा की मात्रा प्रति मिनट कितनी होगी, तो इसके लिए कल जो मैंने बताया था ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में क्या हो रहा है, देखिए निम्न ताप वाले स्रोत से उष्मा ले रहा है, इसके ऊपर बाहरी कार्य हो रहा है, और उच्च ताप वाले परिशिष्ट वातावरण में इसको निष्कासित कर दिया जा रहा है। तो इसके लिए हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, देखो यहाँ Q1 जो अवशोषित की जा रही है प्लस उसके ऊपर कार्य भी किया जा रहा है, ये किसके बराबर है, Q2 के बराबर है, और यहाँ Q2 ही क्या है, निष्कासित उष्मा है। Q2 क्या है, निष्कासित उष्मा है, तो हमको Q2 निकालना है। तो Q2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Q1 प्लस W, तो W हमको पता ही चल गया है, और अवशोषित उष्मा हमने क्या निकाला, अभी नेट प्रतीतन प्रभाव निकाला है ना, तो वही तो हमारा अवशोषित उष्मा है, उसके जगह आप ये पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे
देखो मैंने क्या किया है। यहाँ पे क्या किया देखो, निष्कासित जो ऊष्मा है वो प्रतीतन प्रभाव प्लस किया गया कार्य। प्रतीतन प्रभाव हमारा कितना है 2100 किलो जूल पर मिनट था, और किया गया कार्य कितना है 319.368। ठीक है, इनको जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 2419.368 किलो जूल पर मिनट। तो इस प्रकार हमको पता चल गया है कि निकाय के द्वारा कितना ऊष्मा क्या की जा रहा है, वातावरण में निष्कासित किया जा रहा है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन टफ नहीं है। इस क्वेश्चन में केवल कन्वर्जन था, और इस तरह का कन्वर्जन हम देख रहे हैं काफ़ी सारे क्वेश्चनों में है। ठीक है, इस वजह से इसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया था, मैं चाहता तो इसको आगे बता सकता था दूसरा क्वेश्चन, लेकिन उसमें भी कन्वर्जन है। इसी वजह से मैं, चूंकि इसका नोट्स मैंने पहले से लिखा हुआ था, तो मैं सोचा कि लाओ इसको फिर से बता दूं। आप देखना चाहें तो उसमें पूरा 20 मिनट पूरा मैंने इसी को समझाया है, आप उसको फिर से देख सकते हैं यूट्यूब पर, वो वीडियो है। ठीक है, तो आज तो देखना, अब इसी में टाइम हो गया। चलिए क्या करना, अगला जो है जो कल का भी लेक्चर होगा, कल मैं देख रहा हूँ कि एक ट्यूट भी दे दूंगा लेक्चर के बाद, क्योंकि लेक्चर में दो तीन जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे मैथ्स के वो मैं करा दूंगा, और उसके बाद एक कल ट्यूट भी दे दूंगा व्हाट्सएप के पे आपके सेंड कर दूंगा। ठीक है ना, तो चलो आज के लिए इतना ही।